Hello everyone, welcome to my YouTube channel Naughty Noob Crochet. I am Antra. This is my very first YouTube video and I hope you are going to like it. मैं अपने सबसे पहले वीडियो में आपको क्रोशे हुक्स के बारे में और क्रोशे एक्सेसरीज के बारे में इवन यार्न और थ्रेड के बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दूंगी जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये मेरे पास कुछ हुक्स हैं, इससे आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा. मार्केट में इस टाइप के कई तरह के हुक्स आ गए हैं आजकल. सबसे पुराना स्टाइल का तो हमारे पास एक एल्यूमिनियम का हुक और स्टील का हुक मिल जाता है. स्टील का हुक कुछ इस टाइप के होते हैं. मेरे पास ये छोटे साइज़ में है स्टील का हुक, जिसको मैं थिन थ्रेड में यूज़ करती हूँ. इसके अलावा एल्यूमिनियम के हुक्स आते हैं ऐसे कलरफुल. कुछ एल्यूमिनियम हुक्स विद ग्रिप आता है, ये काफ़ी इजी रहता है वर्क करने में. ये है मेरे पास वुडन हुक, ये देखिए. देन प्लास्टिक हुक्स भी हैं मार्केट में अवेलेबल. ये काफ़ी लाइट वेट हैं, मोटे थ्रेड के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा. इसके अलावा अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो आप इस टाइप का एर्गोनॉमिक ग्रिप वाला हुक चूज़ कर सकते हैं. आप अगर लॉन्ग टाइम वर्क करते हैं क्रोशे वर्क, तो आपके फिंगर्स में थंब पे पेन शुरू हो जाता है. ये एर्गोनॉमिक क्रोशे हुक किसी वजह से बनाए गए हैं, काफ़ी अच्छा रहता है, ग्रुप पीस का अच्छा है. ये आपको कई साइजेस में मिल जाएंगे. अब हम जान लेते हैं कि इसके अलावा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट एक्सेसरीज और क्या चाहिए होती हैं. डार्निंग नीडल्स, इनके टिप्स देखिए मोटे रहते हैं इस टाइप से. इसका ये बैक साइड में होल भी बड़ा रहता है. ये आपके थ्रेड के लिए, मोटे थ्रेड के लिए, मोटे ऊन के लिए, सबके लिए अच्छा है. तो ये कई साइजेस में मिल जाते हैं. ये है फ्लावर लूम, ये छोटे फ्लावर्स बनाने के लिए, ये बड़े फ्लावर्स बनाने के लिए. बहुत ही इजीली ये क्विकली फ्लावर बन जाता है इससे. ये सब ऑनलाइन भी अवेलेबल है, इवन मार्केट में भी मिल जाते हैं इस टाइप के एक्सेसरीज. कुछ रेयरली यूज एक्सेसरीज हैं जिसमें ये स्टिच काउंटर आ गए हैं आजकल मार्केट में. लाइक अगर हम अपने स्टिचेस भूल जाते हैं कि हमने कितने स्टिचेस बनाए हैं, इस टाइप के स्टिच काउंटर काफ़ी यूज़फुल रहते हैं. ये देखिए इस टाइप से ये चेंज होता जाता है, इसके डिजिट्स चेंज होते जा रहे हैं. ये छोटा वाला है पतले हुक के लिए, बड़ा वाला है मोटे हुक के लिए. ये मैं रेयरली ही यूज़ करती हूँ, बट ये जो हैं ये है स्टिच मार्कर जो बहुत ही यूज़फुल रहता है. ऐसे तो आप सेफ्टी पिन से भी स्टिच मार्क कर सकते हैं, ये कुछ ट्रेंडी सा लगता है. ये सेफ्टी पिन जैसे हैं स्टिच मार्कर्स, और ये कुछ लूप टाइप के स्टिच मार्कर हैं. आपको मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ. जैसे हमारा कोई यार्न प्रोजेक्ट है, ये बड़े वाले मोटे वाले स्टिच हम इस तरह से इसमें टग इन कर देते हैं. उसके बाद अगर हम काम को बीच में अपना छोड़ के उठ रहे हैं, नेक्स्ट डे कर रहे हैं, हमें याद रहेगा कि हमने कोई चीज़ मार्क करनी हो, उसके लिए ये स्टिच मार्कर्स इस काम के लिए रहते हैं. ये देखिए ये सेफ्टी पिन जैसे हैं ये स्टिच मार्कर. ये सब काउंटिंग के लिए बहुत ही यूज़फुल रहता है ऐसे. ये जो छोटे वाले हैं ये हमारे जो थ्रेड वाले क्रोशे वर्क्स होते हैं, थ्रेड वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके लिए होते हैं. अब
अब हम जान लेते हैं कुछ यार्न के बारे में कि हमें अपने यार्न को यार्न के लिए जो भी हम यार्न सेलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट हुक हम कौन सा लें जिससे हमारा प्रोजेक्ट नीट लगे। जो 3-ply के यार्न होते हैं उसके लिए 2.75 mm से 3.25 mm के हुक बेस्ट रहते हैं। 4-ply यार्न के लिए 3.25 mm से 4 mm तक के हुक साइजेस बेस्ट रहते हैं। 8-ply यार्न के लिए 4 mm टू 6 mm, 10-ply यार्न के लिए 5 mm टू 7 mm, 12-ply यार्न के लिए 8 mm टू 10 mm और जितना थिक हमारा यार्न होगा हमारा हुक साइज उतना ही बढ़ता चला जाएगा। पर ये मैंने कुछ आपको आइडिया दे दिया है हमारे यार्न के अकॉर्डिंग हमें हुक सेलेक्ट करने के लिए। मैं आपको 3-ply यार्न दिखा रही हूँ, ये है 3-ply यार्न। फोर प्लाई यार्न भी है मेरे पास, ये है 4-ply यार्न। देखिए आपको डिफरेंस पता चल रहा है। 3-ply यार्न हम कैसे समझेंगे, जब आप इसका टिप थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे आपको दिखेगा यहाँ पे तीन, ये देखिए तीन भाग इसके, ये हमारा 3-ply यार्न है। ये देखिए 4-ply यार्न, इसको अगर हम थोड़ा सा स्प्रेड करते हैं हमें दिख जाएगा कि ये 4 strands हैं यार्न के जो आपस में कंबाइंड है। ये देखिए 4 है। आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी यार्न को समझने में और उसके अकॉर्डिंग थ्रेड चूज करने में। देखिए 4 strands दिख रहे हैं आपको, ये है मेरे पास। जो मोटे यार्न होते हैं उसमें नेसेसरली उसमें आपको स्ट्रैंड्स बहुत सारे मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये देखिए मेरे पास जो मोटा यार्न है इसके लिए मेरे को मैं यूज़ करती हूँ ये 7 mm का हुक, 10-ply समझ लीजिए, काफ़ी थिक है। आपको 4 mm सॉरी ये 4-ply यार्न के साथ आप इसको कंपेयर करके देख सकते हो कितना थिक है ये वाला यार्न। ऐसे तो ये लग रहा है 2-ply पर एक्चुअली में ये 10-ply है। तो इसकी थिकनेस से इसको आपको समझना होगा। यूजुअली हम जो मार्केट में रेगुलर यार्न हम खरीदते हैं वो या तो 3-ply होते हैं या फिर 4-ply होते हैं। ये कुछ थ्रेड्स मैंने आपके सामने रखे हैं, ये थ्रेड इस टाइप के थ्रेड भी आजकल आते हैं, ये एक्रेलिक थ्रेड है, ट्विस्टेड है। इनके लिए ऑब्वियसली छोटे वाले हुक यूज़ होते हैं। ये देखिए कॉटन है, पतले हैं, ये काफ़ी थिन है। ये इसके लिए आप जो मेरे पास ये वाला हुक था मैंने आपको बिगनिंग में दिखाया था स्टील का हुक, ये मेरे को बेस्ट लगता है इसके लिए। तो ये हो गया आज का मेरा ट्यूटोरियल। आई होप कि मेरे ये सब इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हो जाएगा और आपको काफ़ी कुछ टिप्स मिल गए होंगे यार्न और हुक सेलेक्ट करने के लिए। थैंक यू टू वॉचिंग माई चैनल। आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आता है ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसी टाइप का आप मुझे आइडिया देना चाहते हैं या कोई आपकी क्वेरी हो आप मुझे मैसेज ज़रूर करें। थैंक यू एंड बाय।